और ठाकुर जी की पूजा करें, हमें हनुमान जी की पूजा करें, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। जैसे बहुत लोग भटकते हैं, कभी मुल्ला मौलवी पर भटकते हैं, कभी मुल्ला मौलवी पर भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं झाड़फूँक के लिए। हमारे हनुमान जी से बढ़ के कोई भी वो नहीं है, तंत्र मंत्र भूत बाधा कुछ भी हो, सब हमारे हनुमान जी के आगे कुछ भी नहीं। कह रहे हो जैसे बहुत सारे हिंदू झाड़ा लगवाने चले जाते हैं कि मौलवी पे, पीर पे, मज़ारों पे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि हमारे खुद इतने अच्छे देवता हैं, सबसे बड़े कलयुग के देवता जो हमारे हनुमान जी हैं, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। मेरा नाम नीलम चौहान। कहाँ से हैं? यहीं दिल्ली से। बाबा जो बागेश्वर की जो आज दिव्य दरबार था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहली बार आई हूँ, बहुत नाम सुना था बाबा जी का, तो इसलिए आई हूँ दर्शन। क्या क्या सुना था इनके बारे में? नहीं, इनके बारे में सुना था जो बोल देते हैं, कहीं भी कोई भी बैठा हो वहीं से अर्जी मतलब बुला लेते हैं, सत्य है इतना, यही सुना था, तो वो दर्शन करने आ गए थे। फिर क्या देखा, जो सुना था वही पाया? बिल्कुल वही सत्य, बिल्कुल वही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है यहाँ पे। जैसे हमने सोचा कि हम तो आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, अभी 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 भी बिल्कुल सेम चमत्कार हुआ। हमने सोचा कि हम यहाँ तक आए हैं, दर्शन तो कर नहीं पा रहे हैं, हम क्या इतने अंदर से मैले कुचले हैं जो बाबा हमें उनके दर्शन नहीं करा रहे, इतने में हमें इतनी तेज से धक्का लगा और हम बिल्कुल वही पहुँच गए, बिल्कुल सामने दर्शन हो गए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आज। मतलब ठाकुर जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया आज। इनसे कब से जुड़े हैं? इनको मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हुआ, उसके बाद कुछ अच्छा हुआ जुड़ने के बाद? नहीं, मतलब मैं वैसे तो मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, अपने वृंदावन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं सब, बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, हम वैसे ही करते थे, हम अर्जी वगैरह नहीं लगाते थे, जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हमने कुछ किया नहीं था। तो लेकिन आज हमने सुना कि हमारे दिल्ली में आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो दर्शन भी कर आते हैं चल के, और इसलिए आज हम यहाँ आ गए। और हमें ऐसा लगा कि हमें आज से ही सुंदरकांड और रामायण का शुरुआत आज से ही कर देना है। ऐसे क्यों लगा? बस पता नहीं, अंदर से मन में भाव आया। हनुमान जी क्या क्या सीख के जा रहे हो? सीख के जा रहे हैं कि हमारा एक तो सनातन धर्म की जय हो, हमारे हिंदू सब मिल के रहें और ठाकुर जी की पूजा करें, हमें हनुमान जी की पूजा करें, हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। जैसे बहुत लोग भटकते हैं, कभी मुल्ला मौलवी पर भटकते हैं, कभी कहीं जाते हैं झाड़फूँक के लिए, हमारे हनुमान जी से बढ़ के कोई भी वो नहीं है, तंत्र मंत्र भूत बाधा कुछ भी हो, सब हमारे हनुमान जी के आगे कुछ भी नहीं है, ये हमने सीखा आज यहाँ से। सही कह रहे हो, जैसे बहुत सारे हिंदू झाड़ा लगवाने चले जाते हैं कि मौलवी पे, पीर पे, मज़ारों पे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि हमारे खुद इतने अच्छे देवता हैं, सबसे बड़े कलयुग के देवता जो हमारे हनुमान जी हैं, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है, उन्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे बहुत पूजा पाठ करती हैं कंठी से मुझे लग रहा है, तो कुछ जैसे भगवान की शरण में आप हैं, तो आपका क्या चीज़ अच्छा होता है, यानी कि जुड़ने के बाद भगवान से, भक्ति करने के बाद करियर में, घर में क्या? ठाकुर जी, पहली बात तो ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उससे दुनिया की चीज़ों से मतलब मोह माया ख़त्म करते हैं, और उनको ये नहीं कि हम भक्त हो गए हैं, हमने दीक्षा ले ली है, हम रात दिन हरिनाम या राधा राम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख भी आएंगे, लेकिन दुख को सहने की शक्ति मिलती है हमें। हम दुख को हमें ये नहीं लगता कि हमें धन हो, हमारे कार हो, हमारे गाड़ी, हमें हर चीज़ में खुशी मिलती है, और हमें हर आदमी में ठाकुर जी दिखते हैं, हमें किसी से लड़ने का मन नहीं करता, सबसे प्रेम करने का मन करता है। मैम, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी ज़्यादा परीक्षा लेता है। जो क्लास में बैठेगा परीक्षा तो उसी की होगी ना, अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम क्लास में बैठे हैं तो तभी तो हम पेपर देंगे, तभी तो हम पास होंगे, बाहर जो बैठे हैं उनका क्यों लेंगे वो पेपर, बताइए। जो हम क्लास में बैठेंगे जब उसी का नंबर दो का काम कर रहा है वो तो वो उसके उसके अभी जो जो नंबर दो का काम कर रहे हैं ना, उनके प्रारब्ध हैं, जिसके अच्छे बुरे अभी उनको जोड़ना है, उनको और आगे ठाकुर जी ले जा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एक दिन वो उसको भुगतेंगे जरूर, ऐसा बात नहीं है। सब अपने कर्म को भुगतते हैं, जैसा जो कर्म करता है उस हिसाब से सबको फल मिलता है। जिसको बढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़े चले जा रहे हैं, और हम धर्म कर रहे हैं तो हम घटते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ठाकुर जी इसी जन्म में, हमें तो ऐसा लगता है कि मुक्ति दे देंगे, और उन लोगों को कितने जन्म में क्या करेंगे, 84 में घुमाते रहेंगे, इसलिए वो कर्म करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। जैसे इनसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी इनसे कनेक्ट हुए, तो मतलब क्या आपने देखा, ताकि आपने कहा कि राइट गुरु हैं और इनसे जुड़ना ही चाहिए? भक्ति है, देखो ये क्या कोई गलत बात, तो शिक्षा गलत तो देते ही नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रेरित करते हैं, हनुमान जी के लिए प्रेरित करते हैं, सबके अंदर भक्ति भाव बढ़ाते हैं। आज के जनरेशन को जितने इधर उधर भटक रहे हैं वो भी काफ़ी जुड़ भी रहे हैं, और सारी सत्यता दिखती है। जैसे लोग कहते हैं कि जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो कहाँ से किसको कहाँ से बुला लें, कोई वहाँ पर तो है नहीं, कोई अंदर है तो उसको बुला ले रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं पर बुला लेते हैं, इतने प्रेस वाले सब हार गए इनसे,
लेकिन कोई जीत नहीं पाया। कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि पहले से लिख देते हैं, पहले से बुला कर देते हैं, जैसे मैं इनके इंटरव्यू देखती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। शक्ति है हनुमान जी की। ये आपने टैटू भी बनवा रखा है? जय श्री राम। नहीं, मेरे तो राधे राधे, बैक में भी हाथ में भी। जैसे कर्म ही, कर्म जो है वो आप वो नहीं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो जो नास्तिक लोग हैं वो ये कह देते हैं कि फिर भगवान, मंदिर, फिर तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, हम अपना अच्छे से कर्म करें और रिजल्ट हमारा डिसाइड कर देगा। हाँ, तो फिर बहुत लोग तो मानते ही नहीं कि भगवान है, लेकिन वो कहें ना कि सूर्य भगवान को एक दिन रोक के दिखाएं। एक दिन माँ के पेट में बच्चा रहता है, कहाँ से सांस लेता है? भगवान ही तो दिलाते हैं ना, भगवान के जरिए तो लेता है ना। जो कहते हैं भगवान नहीं है, कैसे कहते हैं? हवा पानी सभी कहाँ से चल रही है? एक दिन भगवान रुष्ट हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान में प्राण डाल के दिखा दे ना, इंसान में प्राण डाल के दिखा दे तो आसानी से मिल जाती है। डॉक्टर हार जाता है, इतने बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हार, कहते हैं दुआ करो भगवान, वो भी भगवान को मानने लगते हैं। भगवान है कैसे? नहीं, भगवान नहीं है तो आप एक सेकेंड आप खड़े नहीं हो सकते। वो उनकी मानसिकता है, लेकिन कभी ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, फिर मानने भी लगते हैं, उनके ऊपर ऐसा हो जाता है। तो एक कृपा है जिसके ऊपर कृपा। कोई चमत्कार किया है अभी तक, अगर जो आप डिटेल में बताना चाहें? कभी कभी कुछ नहीं, अभी का तो है बताया आपने। कभी जीवन में ऐसा हुआ हो कि ये काम होने वाला नहीं था लेकिन ये हो गया भगवान? अरे वो सारे काम होते हैं हमारे साथ, तो ठाकुर जी बहुत लीलाएं करते हैं। हम लीलाएं करने लगेंगे तो एक बुक भर जाएगी, बहुत लीलाएं करते हैं। हम ये भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता था वृंदावन कहाँ है। हम 12-12 बजे पहुंच जाते हैं रात को, सब उनकी कृपा है। मैं इतना बता नहीं सकती आपको जितना उन्होंने कृपा करी है हमारे पर। पैसे की कृपा नहीं है, पैसे से हमें कोई मतलब नहीं ना। हमें जो हमें यह है कि हमें जो होना होगा वो होगा, हम अपना अच्छा कर्म करते रहें, अच्छे किसी को दुख ना दें, अच्छी अच्छी सेवा भाव में करते रहें, पूजा करते रहें। जो मेरा कर्म है वो कर रहे हैं, बाकी उसका कर्म जो वो करेगा। ये चमत्कार तो बहुत हुए, लेकिन मैं कितना बताऊंगी आपको। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार तो एक लेडीज़ के लिए यही है। आज वो इतने बड़े वो महात्मा साधु से बन गए हैं, अंतर से, बाहर से तो काम कर रहे हैं, कि वो दो दो ढाई घंटा पूजा में लगाते हैं, और उनसे कम तो मैं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, बड़े बच्चे पूजा पाठ इतना करते हैं, वही मेरा धन है, और क्या चाहिए। यही चमत्कार है हमारे जीवन में तो। जी, क्या बोलना चाहते हैं आप गुरुदेव को लास्ट? गुरुदेव बस मैं तो चाहती हूँ मेरे इन गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, सारे सनातनियों पर बनी रहे, इसी तरह धर्म का झंडा लहराते रहे और सबके कष्ट विचारे दूर करते रहे, बहुत दूर करते, बहुत कृपा भी सब पर करते हैं। अच्छा मैम, जैसे जब से इनकी कथाएं लाइव आना शुरू हुई हैं, तो आपने बच्चों में क्या चेंजेस देखे, अपने आसपास क्या? बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, रामायण पढ़ने लगे हैं, और जय श्री राम जय श्री राम, जिसको चारों तरफ सनातनी, मतलब हमारा धर्म बढ़ने लगा है। जी, धर्म बढ़ने लगा है हमारा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू।